सपोज बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोग हमारे आईटी इंडस्ट्री में होते हैं और फिर उनकी अप्रेजल मीटिंग होती, तो उनकी अप्रेजल मीटिंग किस तरह से होती, तो हमारे जो मैनेजर है वो है सनी देओल, और जो हमारे फर्स्ट एम्प्लॉय जो उनसे मीटिंग करने जा रहे हैं अप्रेजल के लिए वो है शाहरुख खान। ए मैं आएंगा मीन सर, आ जाओ शाहरुख, अंदर आ जाओ। अब मुझे ये बताओ कि आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या किया है। अमी जान का कर दे दे, कोई भी प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता, और कोई भी प्रोजेक्ट की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, और अगर तुम किसी प्रोजेक्ट में शिद्दत से काम करो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें अच्छी रेटिंग देने में लग जाती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो समझ लेना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बट लास्ट टाइम तुम्हारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे एस्केलेशन आए थे सर। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में छोटे छोटे एस्केलेशन आते रहते हैं। तुम्हारी इसी हरकतें की वजह से मैं तुम लोग को अप्रेजल नहीं दे सकता। भूल जाओ ये साल अप्रेजल, भूल जाओ। ए माँ कहती है भारों को छोड़ दो, बाबूजी कहते हैं शराब छोड़ दो, और आज तुम ये कह रहे हो कि अप्रेजल की हॉबी छोड़ दो। ये तुम्हें मानना होगा, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। शार मैंडर आओ क्या? ओए तो अंदर आ चुका है, पिप क्यों पूछ रहा है तू मेरे से? मेरे को एक बात पहले ये बता, तो इतना लेट क्यों आया? अप्रेजल मीटिंग भूल गया था क्या? नहीं शार, मुझे याद था। मैं अप्रेजल मीटिंग भूल जाऊँ ये हार नहीं सकता, और तुम मुझे अप्रेजल मीटिंग भुला दो या मैं हारना नहीं दूंगा। ठीक है बैठ जाओ। अब मुझे ये बताओ कितने झंडे गाड़े हैं अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, और क्या क्या किया है इस प्रोजेक्ट के लिए? यह मेरे लिए सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, यह मेरे लिए माए माँ ए माँ शक्ति देना। माँ के बारे में बोला है, अप्रेजल के लिए सोचूंगा मैं, अब आप जा सकते हैं। तो अभी अंदर जाते हैं नाना पाटेकर, बट मैनेजर सनी देओल के और नाना पाटेकर के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है, तो नाना पाटेकर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद सारे एम्प्लॉयज उसके पास आने लग जाते हैं, तो उस समय नाना पाटेकर का रिएक्शन कैसा होता है वो आपको बताता हूँ। अच्छा है हाँ अच्छा है, आगे मेरे अप्रेजल डिस्कशन का तमाशा देखने। इतनी सी हाइक मिलेगी, इतनी सी रेटिंग मिलेगी, शायद इंक्रीमेंट ही ना मिले मेरे को। मैं उधर रोऊंगा। मेरे कलीग्स मेरे पास आएगा, मेरे से चर्चा करेगा, घर जाएगा, खाना पीना खाएगा, जाके सो जाएगा। कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ नहीं बदलेगा। तुम लोगों को कम इंक्रीमेंट लेने की आदत सी पड़ गई है। ये देखो पिछले साल का सीटीसी और ये साल का सीटीसी, बताओ इसमें से पिछले साल का सीटीसी कौन सा और ये साल का सीटीसी कौन सा? अरे वो देने वाले ने फर्क नहीं किया, तुम कौन होते हो फर्क करने वाले? बताओ रे मेरे को, बताओ मेरे को। तो ये सब के बाद नाना पाटेकर को भी अप्रेजल नहीं मिलता है, तो अब पारी आती है मैनेजर की। तो मैनेजर जो हमारे सनी देओल है वो अपने जाते हैं अपने सीनियर के पास, उनसे अप्रेजल की मीटिंग करने के लिए। तो उनके जो सीनियर रहते हैं वो रहते हैं आमिर खान। मे आई कम इन सर? यार यार तू तो अंदर आ गया, आ जा, तेरे से अप्रेजल मीटिंग लेना है मेरे को। यार मेरे को एक बार बता, तेरे प्रोजेक्ट की तो वाट लगी हुई है, अभी तू कैसे काम करता है, तेरी टीम क्या कर रही है? मेरी टीम मजदूर बना के रख दिया आप लोगों ने उनको, 12 12 घंटे काम करना पड़ रहा है उन लोगों को। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब आप प्रोजेक्ट लाते हैं तो कहते हैं कि 150 लोग दिए जाएंगे आप लोगों को, लेकिन देते हैं तो सिर्फ 50। आप ही बताओ मैं कैसे काम करूं उन लोगों के साथ? यार उत्तर क्या यार, यार आईटी में ऐसे ही करना पड़ता है, तो कुछ समझता क्यों नहीं है? तो अच्छी तरह से जानता है ये सब। यार एक बार बताऊँ मैं तेरे को, यार तेरे को अप्रेजल बोलना पड़ेगा, तेरे को भी इस बार इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और तूने वैसे भी अपने प्रोजेक्ट के लिए किया क्या है? ऐसा सियासी खेल क्यों खेल रहे हो आप हमारे साथ? प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता आप दूसरा प्रोजेक्ट दे देते हैं। सर ये 2.5 किलो का हाथ हुआ करता था, अब 1.5 किलो का हो गया है। अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं सिवाय एक डिपार्टमेंट के, एचआर डिपार्टमेंट। यार उत्तर की यार, वो तो ऑलरेडी बर्बाद है। एचआर डिपार्टमेंट बर्बाद, ये आपसे किसने कह दिया? एचआर डिपार्टमेंट जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। थैंक यू।